नमस्कार, जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें आपको मैं एक दूसरा मैथमेटिकल फार्मूला बताने जा रहा हूँ। पीछे से कुछ तीन लेक्चर से लगातार दो लेक्चर से मैं आपको कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेज वगैरह बता रहा हूँ कि कैसे कुछ चीज़ निकालते हैं। ये क्या है? ये फार्मूला बेसिकली उस चीज़ के लिए है कि जैसे हमारी आने वाली नई यंग जनरेशन है, या जो अभी की भी यंग जनरेशन है, उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि अपने पास लग्जरी व्हीकल कब आएगा। तो उस लग्जरी व्हीकल के सपना कब पूरा होगा, वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा फार्मूला है, जो कि बहुत टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला है और बड़ी मुश्किल से ये मिलता है। बहुत ही मैंने जिससे सीखा है, अदरवाइज़ किताबों में अगर देखना चाहें इसको आप, तो शायद आपको ना मिल पाए। तो ये फार्मूला मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें क्या करते हैं, इसमें जितने भी हमारे ग्रह हैं, सूर्य से लेकर राहु केतु तक, सबकी अपनी कलाएँ होती हैं। ये ग्रह और उनकी कला, इसी स्टैंडर्ड फिक्स है। ये आप नोट कर लीजिए कि सूर्य की कला 30 होती है, चंद्रमा की कला 16, मंगल की 6, बुध की 8, बृहस्पति की 10, शुक्र की 11, शनि की 1, राहु केतु की 0। तो ये कलाएं हैं ग्रहों की, जो कि फिक्स होती हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब हमें करना क्या है, जैसे सपोज़ कीजिए ये कुंडली है किसी नेटिव की, ये मैंने कुंडली बनाई है। इस कुंडली में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कब इस नेटिव को लग्जरी व्हीकल मिलेगा, कब मिलेगा। तो वो हम देखना चाहते हैं, इसे किस दशा में मिलेगा, किस अंतर दशा में इसको मिलेगा, तो वो हम देखना चाहते हैं। तो वो देखने के लिए हम क्या करें कि सबसे पहले देखिए कि जो आपका व्हीकल कौन सा हाउस है। व्हीकल का हाउस है फोर्थ। ये फोर्थ हाउस आपका व्हीकल के बारे में बताता है, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तो जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, गुरु बृहस्पति, क्योंकि 9 नंबर राशि यहाँ पर है, तो इसका लॉर्ड हुआ बृहस्पति। तो बृहस्पति की कितनी कला है वो आपको नोट करनी होगी। तो बृहस्पति की कला हमारी होती है ये देखिए 10। तो ये 10 हम नोट कर लेते हैं, 10 प्लस। अब देखते हैं शुक्र। शुक्र बेसिकली वाहन का कारक माना जाता है, ग्रह ये कारक ग्रह माना जाता है शुक्र वाहन का, तो इसलिए शुक्र की कला देखनी भी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि शुक्र की कला कितनी है। शुक्र हमारा कला हमारी होती है 11, तो ये 11 हमने यहाँ जोड़ दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी कला। पहले हमने देखा चौथे भाव का स्वामी कौन है, उसकी कला, फिर देखा हमने शुक्री कला, अब देखते हैं कि चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी कला क्या है। तो चौथे भाव में यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, शनि। शनि की कला होती है 1, तो यहाँ 1 कर दिया प्लस। उसके बाद हम ये देखते हैं कि चौथे भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। तो अब दृष्टि का हमें देखना होगा। तो अगर वैसे नॉर्मली तो हम राहु केतु की दृष्टि मानते नहीं है, पर आप मान भी लीजिए तो भी केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, सातवीं दृष्टि इस वाले चौथे भाव पे तो किसी की नहीं पड़ती है, सॉरी बृहस्पति की पड़ती है। तो चौथे भाव पे हमारी पड़ती है दृष्टि बृहस्पति की, तो बृहस्पति के नंबर इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो बृहस्पति के नंबर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, बृहस्पति का 10, तो ये 10 नंबर हमारे इसमें और ऐड हो गए। तो ये टोटल आ गए हमारे कि 4 फोर्थ एस्ट लॉर्ड का स्वामी जो है उसकी कला कितनी है, शुक्र की कला कितनी है, फोर्थ एस्ट में जो ग्रह बैठा है उसकी कला कितनी है, और आपको फोर्थ हाउस को देखने वाला जो ग्रह है उसकी कला कितनी है। इन सबको आप जोड़ लीजिए तो 11, 10, 21, 22 और 10, 32। तो ये आपका 32 आ जाता है। अब 32 आने के बाद इसको आप डिवाइड कीजिए 12 से, तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस आपका बचेगा 8। बैलेंस निकाल लीजिए, जो बैलेंस आपका आए उसको चंद्र की राशि से गिनिए। यानी यहाँ बैलेंस 8 आया है और चंद्र की राशि कौन सी है, सॉरी यहाँ चंद्र है मान लिया, तो चंद्र की राशि सिंह है, तो यहाँ से 8 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 यानी 8 में कौन सी राशि आती है, मीन। मीन राशि का स्वामी कौन है, बृहस्पति। इसका मतलब है कि इस जातक को बृहस्पति की दशा में लग्जरी व्हीकल प्राप्त होगा। अब आप कहते हैं कि बृहस्पति दशा तो उस पर आ ही नहीं रही है, वो तो निकल चुकी बहुत पहले, बचपन में निकल गई या बहुत लेट आने वाली है, तो क्या हो। तो उस केस में जब भी किसी योग कारक ग्रह की दशा में बृहस्पति की अंतर दशा होगी, बृहस्पति की अंतर दशा होगी, तब व्हीकल मिलेगा। अब चूंकि शुक्र भी कारक है व्हीकल का, शुक्र का भी हमने इसमें कला ली हुई है, तो इसमें यह होता है कि या तो मिलेगी बृहस्पति की दशा में और शुक्र की अंतर दशा में,
या किसी योग कारक ग्रह की महादशा में, बृहस्पति की अंतरदशा में और शुक्र की प्रत्यंतरदशा में आपको ये लग्जरी व्हीकल की प्राप्ति होगी। तो ये सिंपल फार्मूला है, इसको आप याद रखिए, बहुत सिंपल है और बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, एकदम ऑथेंटिक बैठता है। और कहीं भी इसको आप ट्राई करके देखिएगा डिफरेंट कुंडली पे, और फिर कमेंट करके बताइएगा कि कितनी कुंडली पे आपने इसे ट्राई किया और कितनी जगह आपका ये सब सही मैच उतरा, सही उतरा बिल्कुल भी ठीक से। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं नई नई वीडियोज़ आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।